आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो सभी को बहुत पसंद आता है, अक्सर शादी पार्टी में तो खाते ही हैं। पर आज हम बहुत सरल तरीके से घर पर ही चलिए बनाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रीता गुप्तास किचन। चलिए शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 किलो गाजर। गाजर को अच्छे से धोकर छिलका उतार कर कद्दूकस कर लिया है। अब कढ़ाई में घी डालेंगे और घी गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे ग्रेटेड गाजर। गाजर हम जितनी लाल लेंगे गाजर का कलर उतना ही अच्छा आएगा और खाने में भी स्वादिष्ट होगा। अब इन्हें हम घी में थोड़ा भूंज लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी देर 10-15 मिनट भूंज जाए तब इसमें मलाई सहित 1.5 लीटर दूध डालेंगे। दूध और गाजर को अच्छे से मिक्स करते हुए कंछुली से चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, 20 से 25 मिनट के लिए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हम चेक करेंगे। ये देखिए, गाजर का कलर भी चेंज हो गया है और दूध भी ऑलमोस्ट सूख चुका है। गाजर भी पक गई है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी भी हलवे में अच्छे से मिला देंगे। चीनी ऐड करने के बाद हलवा कितना जूसी सा दिखने लगा। गैस का फ्लेम हाई करके इसका सारा पानी सुखा देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कढ़ाई में नीचे तले में लगे ना। 10-15 मिनट में ही गाजर का जूस कम हो जाएगा। तब इसमें हम ताज़ा खोवा या मावा ऐड करेंगे और थोड़ा खोया बाद में ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। थोड़ी देर अच्छे से भूंज लेंगे। फिर इसमें घी डालेंगे और थोड़ा अच्छे से भूंज लेंगे। आप देख सकते हैं हलवे की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। हलवा अच्छे से भुंज भी गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा ऊपर से खोया और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। अब हलवा सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखिए, गाजर का हलवा कितना कलरफुल दिख रहा है। इसे थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेते हैं और अब ये गाजर का हलवा गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट करके बताएं। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।